अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निकल फैसल। आज के वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट आपके बारे में बताऊंगा जो कि UBL बैंक के अंदर अनाउंसमेंट हुई है। अगर आपकी तालीम मैटर क्या है, इंटरमीडिएट आपने किया है, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दो दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसके अंदर मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं जिनका अप्लाई नहीं हो रहा था और वहाँ पर उनको टेस्ट की ईमेल भी नहीं आ रही थी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कौन सी गलती है जो कि आप करते हैं जिसकी वजह से आपका टेस्ट भी नहीं होता और आपका अप्लाई भी। तो सबसे पहली बात है, आपका rozi.pk के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट के ऊपर आपने बनाना है अकाउंट, फिर आपने CV अपनी वहाँ पे अपडेट रखनी है, फिर आपका अप्लाई होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिसर Grade-4 की नॉन ग्रेजुएट प्रोग्राम एक स्टार्ट किया है UBL बैंक वालों ने। इसके अंदर फ्रेश वाले अप्लाई करेंगे। आपकी सैलरी की बात करें 30,000 से लेकर 40,000 के दरमियान में होगी। आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो आपकी एज 18 साल से लेकर 34 साल तक होनी चाहिए। मैट्रिक आपका हो, इंटर हो, उसके बाद फ्रेश बिल्कुल अप्लाई करेंगे। और 13 नवंबर 2024 तक आपने अप्लाई करना है। जो साथ में अप्लाई करते जाएंगे, इंटरव्यू उनके होते जाएंगे और साथ में सिलेक्शन और ये जॉब चलती जाएगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नो क्लिक करेंगे तो आपके सामने रोजी का एक अकाउंट आएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप उसको साइनअप कर लें। साइनअप करने के बाद लॉग इन करें, फिर आपका अप्लाई होगा। तो अप्लाई नो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जिनका अकाउंट बना हुआ है रोजी के ऊपर उनका सामने इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख लें ऑफिसर Grade की जॉब आपके सामने आ गई है। तो नेक्स्ट आप करेंगे तो आपके सामने 3-4 फॉर्म आएंगे, उसको आपने फिल करना है और फिल करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। तो अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे डमी के यहाँ पे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा। तो नेक्स्ट आपको ये बताएगा आपकी प्रोफाइल के बारे में, आपका नाम लिखा होगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस आपका यहाँ पे लिखा होगा, मोबाइल नंबर आपका लिखा होगा, लोकेशन वगैरह आपने जो भी अपनी CV में दी होगी आपने यहाँ पे देखनी है, बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ये आपसे पूछेगा आपके पास कौन सी स्किल है, यहाँ पे आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं, आपने इसको यहाँ पे चूज़ करना है। साथ में आपको स्किल नीचे से पूछेगा आपको क्या आता है, जैसे MS वर्ड है, उसके बाद मार्केट नॉलेज आपको है नहीं है, आपने इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। जब कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने एक और फॉर्म आएगा। इसके अंदर 3 फॉर्म होते हैं जहाँ से आपने अप्लाई करना होता है UBL बैंक के अंदर और आपका ईजी अप्लाई हो जाता है। तो ये आप देख लें आपके सामने इस तरह आएगा और नीचे आएगा योर एप्लीकेशन, सारी आपके डिटेल होगी जो कि आपने CV के ऊपर दी होगी आपके सामने आएगी। आपने देख लेनी है मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपका ठीक है, उसके ऊपर ही आपका टेस्ट भी आता है और आपका इंटरव्यू भी होता है। तो नेक्स्ट आप करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। काफ़ी सारी जो गलतियां करते हैं वो यहाँ पे ये होती है, आप ईमेल एड्रेस कुछ और देते हैं और नंबर आपका सही नहीं होता जिसकी वजह से आपका अप्लाई नहीं होता। तो नेक्स्ट आप करेंगे तो यहाँ से आपका इजी अप्लाई हो जाएगा। फिर आपने CV भी अपडेट रखनी है, इसके लिए आपने rozi.pk के ऊपर आना है और अपनी जो CV है उसको आपने सही यहाँ पे अपडेट रखना है और फिर आपने अप्लाई करना है। तो उम्मीद है आपको आज वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।